छोटी पर काम की बातें। इस संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो उचित युक्त और मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर औषधि का काम न करे। युक्ति और मात्रा का पालन न करने पर तो भोजन भी विष हो जाता है। अति व्यायाम, हंसी, बोलना, परिश्रम, जागरण, इन कर्मों का अभ्यास हो जाने पर यदि इनसे आज कोई कष्ट न भी हो तो भी इन कर्मों में अति करना उचित नहीं, क्योंकि देर सवेर आज नहीं तो कल अति करना कष्टदायक ही सिद्ध होता है। शीतकाल में प्रातःकाल धूप का सेवन करना और रात्रि में शरीर को शीत से बचाना हितकारी होता है, लेकिन भूख सहन करना और देर रात तक जागना हितकारी नहीं होता। मल, मूत्र, छींक, जंभाई, निंद्रा, उल्टी, डकार, भूख, प्यास, आंसू, अपान वायु और परिश्रम से उत्पन्न हुआ श्वास वेग, ये अधारणीय वेग हैं। इन वेगों को रोकना बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। सोने से पहले पेशाब कर लेना, मीठा दूध पीना, दंत मंजन करके मुंह साफ करना, हाथ पैर धोना और दिन भर किए हुए कर्मों पर विचार करने के बाद ईश्वर का ध्यान करते हुए सोना मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी होता है। खाते समय और सोते समय मन एकाग्र रखना चाहिए। भोजन के साथ कच्चे सलाद के रूप में गाजर, मूली, हरी ककड़ी, प्याज, पत्ता गोभी, हरा धनिया, मूली के पत्ते, पालक की भाजी आदि में से जो भी उपलब्ध हो उन्हें बारीक काटकर सलाद के रूप में खाना चाहिए। प्रातः उठते ही कुल्ला करके एक गिलास ठंडा पानी पीकर इसके बाद एक गिलास गुनगुने गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पी लें, फिर नित्य कर्म करने जाएं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये छोटी पर बड़ी बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।